गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम के लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल साइकिल को हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्लास्मोडियम का एसेक्सुअल साइकिल जो मैंस के अंदर ही कंप्लीट होता है वो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल साइकिल जो मॉस्किटोज के अंदर कंप्लीट होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो आज हम देखेंगे प्लास्मोडियम का एसेक्सुअल साइकिल जो मॉस्किटोज के अंदर कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्पोरोजॉइट से लेकर के और गैमेटोसाइट्स बनने तक का जो प्रोसेस है वो ह्यूमंस के अंदर होता है। ये एसेक्सुअल साइकिल कहलाता है। ठीक है, ये जो नीचे बना हुआ है ये वाला पार्ट, ये एसेक्सुअल साइकिल है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था किस तरह से स्पोरोजॉइट्स, जब कोई भी मॉस्किटोज जो होते हैं, मॉस्किटोज के सलाइवा ग्लैंड में स्पोरोजॉइट्स पाए जाते हैं और स्पोरोजॉइट जब किसी व्यक्ति का ब्लड पोषण करता है तो अपने सलाइवा ग्लैंड से स्पोरोजॉइट्स को ह्यूमन ब्लड्स में छोड़ देता है और ह्यूमन ब्लड्स में एक कुछ देर घूमते हैं और फिर जाकर के लीवर सेल पर अटैक करते हैं। लीवर सेल में एंटर करने के बाद ये साइटोसोम में चेंज होता है लीवर के कॉम्पोनेंट में भाग करके और फिर ये स्पोरोगोनी करता है और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। जब बहुत डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें, और जैसे लीवर सेल्स पर प्रेशर पड़ता है तो ये क्या होती है, फट के बाहर लीवर में पूरी तरह से फ्री हो जाती है। तो स्पोरोजॉइट से न्यूरोजॉइट बनने तक का जो प्रोसेस है वो प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहलाता है। इसके बाद स्टार्ट होगा एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज। एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज में क्या होता है कि जो न्यूरोजॉइट्स बने हुए हैं ये दूसरे लीवर सेल पर जाकर अटैक करते हैं और फिर वही प्रस्तुत हो रहेंगे, साइटोसोम में चेंज होंगे और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनाएंगे और डॉटर न्यूक्लियाई फिर क्या करेंगे, बढ़ती है, इससे प्रेशर बढ़ता है और जो वॉल होती है लीवर सेल्स की वो फट जाती है और सारे जो होते हैं वो लीवर सेल्स में फ्री हो जाते हैं। तो ये बार बार लीवर सेल जो होगी वो क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो सेकेंड बार लीवर सेल को अटैक करने से मेरोजॉइट्स बनने तक का जो प्रोसेस है क्रिप्टोमेरोजॉइट्स बोलते हैं। जो सेकेंड बार बनते हैं उसे क्रिप्टोमेरोजॉइट्स बनते हैं और ये दो टाइप्स के बनते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो मैक्रो वाला जो होता है वो लीवर साइजोमी को बार बार रिपीट करता है और जो माइक्रो वाला होता है माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट्स वो आरबीसी पर अटैक करता है। आरबीसी पर अटैक करते हैं और उसमें से स्टेज स्टार्ट होती है, ट्रोफोजन स्टेज, सिग्नेटरी स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, ये साइजोमी में चेंज होता है। फिर इसमें स्पोरोगोनी स्टार्ट होती है, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं और डॉटर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, आरबीसी की वॉल फटने से बाहर और पूरे ब्लड में फ्री हो जाते हैं। ये बार बार इस साइकिल को कंप्लीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि इन जो मेरोजॉइट्स बनते हैं उनकी कैपेसिटी बार बार साइकिल चलाने की खत्म हो जाती है तो क्या करते हैं कि एक गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, एक मेगा गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और एक माइक्रो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। मेगा गैमेट्स से फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और माइक्रो गैमेट्स से मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये गैमेट्स जो होते हैं गैमेटोसाइट्स से ह्यूमन ब्लड में बन चुके हैं, ह्यूमन ब्लड से आरबीसीस में ये बने होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मलेरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति का कोई मच्छर जब ब्लड सक करता है तो ये गैमेटोसाइट्स या फिर ये सारी फेजेस मॉस्किटोज के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है। सेक्सुअल साइकिल यहाँ से मॉस्किटोज के अंदर स्टार्ट हो रहा है। ध्यान देना, ये जो गैमेटोसाइट्स बने हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर बने हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी मॉस्किटोज जब किसी मलेरिया रोग से किसी व्यक्ति का ब्लड सक करता है तो ये गैमेटोसाइट्स मॉस्किटोज के स्टमक में चले जाते हैं। ये गैमेटोसाइट्स के अलावा ये सारे फेजेस में चले जाते हैं, लेकिन ये सारी जो फेजेस होती हैं ये सारी फेजेस मॉस्किटोज के स्टमक में डाइजेस्ट हो जाती है सिवाय गैमेटोसाइट्स के। गैमेटोसाइट्स पर डाइजेस्टिव जूसेस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, जो माइक्रो गैमेटोसाइट्स होता है उसमें क्या होता है कि सारे जो इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं, अर्धसूत्र विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, उसका जो न्यूक्लियस होते हैं पांच न्यूक्लियस में डिवीजन कर डिवाइड हो जाते हैं और ज़्यादातर किनारे की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं और जहाँ जहाँ ये न्यूक्लियस कलेक्ट होते हैं वहाँ से एक उभार निकलता है और फ्लैजेला जैसे
स्ट्रक्चर बनता है और सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक फ्लैजिला में चले जाते हैं जिसे एफ्लैजिलेशन बोलते हैं। ये जो फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है इसे एफ्लैजिलेशन बोलते हैं। अब ये पूरी तरह से मेल गैमेट इस पर में कन्वर्ट हो चुका है। सारे फ्लैजिला अलग अलग हो जाते हैं। एक माइक्रोगैमेट से 6 से 8 हैप्लॉयड मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और जो मेगागैमेट्स बने होते हैं मेगागैमेट्स में भी डिवीजन होता है जिसमें 2 पोलर बॉडीज बन जाती है पहले और 2 पोलर बॉडीज जो होती है वो अलग हो जाती है और ये खुद ही एक हैप्लॉयड मेगागैमेट्स में चेंज हो जाता है। कुछ समय के बाद हैप्लॉयड मेगागैमेट्स में एक फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे ही ये जो मेगागैमेट्स होते हैं वो मेगागैमेट से कॉन्टेक्ट में आते हैं तो रिसेप्शन कोन या फिर फर्टिलाइजेशन कोन में आकर के चिपक जाते हैं इस तरह से जो यहाँ पर दिख रहा है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मेगागैमेट्स के अंदर चले जाते हैं और उनका जो न्यूक्लियस होता है वो कोन मिल जाता है और ये डिप्लॉयड हो जाते हैं। इसमें 2 न्यूक्लियस हो चुका है। उस समय तक ये अगर घूमते हैं अब ये प्रोसेस के अंदर बनकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है ना उसे जायगोट बोलते हैं। ये माइक्रोगैमेट्स और ये मेगागैमेट्स दोनों मिलकर क्या बन गए हैं जायगोट का फॉर्मेशन कर दिए हैं। अब ये जायगोट क्या करता है कि जो स्टमक की वॉल होती है पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर के अंदर जैसे कि ये मेम्ब्रेन है एक लेयर के अंदर एंटर करता है उस समय बाहर जो जायगोट होता है वो लंबा हो जाता है। जैसे गोला बना रहा ये लंबा हो जाएगा और मोटाई हो जाएगा मूव करने लगेगा और स्टमक वॉल के अंदर एंटर करेगा एक लेयर के अंदर पहुंच जाता है और अंदर जाकर के फिर से गोलाकार हो जाता है और अपने चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है और सिस्ट में बंद रहता है। तो इसको अब बोलते हैं ओसिस्ट। जब इसके अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तब बोलते हैं ओसिस्ट। अब ये जो ओसिस्ट बना हुआ है ये अपनी स्टमक वॉल के अंदर है वहाँ पर साइज को इंक्रीज करता है न्यूट्रिशन लेता है और उसमें न्यूक्लियस में डिवीजन होता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ये जो न्यूक्लियाई होते हैं इन सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म में आकर के कलेक्ट हो जाता है और ये 1-2 दिन के अंदर स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन में बहुत सारा हो जाता है तो इसके जो बीच की कैविटी होती है इसमें वैक्यूल्स फॉर्म करते हैं तो बीच में वैक्यूल्स फॉर्म करते हैं और चारों तरफ स्पोरोजॉइट्स आकर के कलेक्ट हो जाते हैं। जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं जब इसकी वॉल फटती है तो सारे जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो स्टमक में हीमोलिम्फ में जो उनका बॉडी कैविटी होता है उनमें आकर के सारे स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं फ्री हो जाते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड के कॉन्टेक्ट में आने से जाकर के डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाते हैं। अब ये मॉस्किटोज के अंदर स्पोरोजॉइट्स डाइजेस्टिव ग्लैंड में जाकर के क्या हो गया स्टोर हो गए। अब इनका क्या हुआ स्पोरोजॉइट्स बनकर का जो प्रोसेस है वो क्या है एसेक्सुअल साइकिल है जो किसके अंदर कंप्लीट हुआ है मॉस्किटोज के अंदर। अब मॉस्किटोज के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स स्टोर हो चुके हैं। अब जैसे ही ये मॉस्किटोज किसी हेल्दी ह्यूमन का ब्लड सक करेगा तो जाकर के अपने स्पोरोजॉइट्स को दूसरे ह्यूमंस में इंटर कर देगा जिससे वो बैक्टीरिया मलेरिया से ग्रसित होने लगेगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस हो रहा है। ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं इनका गैमेटोसाइट्स में चेंज होना और गैमेटोसाइट्स का फिर से स्पोरोजॉइट्स में चेंज होना एसेक्सुअल साइकिल कहलाता है। ठीक है, और स्पोरोजॉइट्स से गैमेटोसाइट्स होना एसेक्सुअल और गैमेटोसाइट्स से मॉस्किटोज के अंदर स्पोरोजॉइट्स होना सेक्सुअल साइकिल कहलाता है। तो इस तरह से प्लास्मोडियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है।